नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज चैनल। बता दें कि देश भर में भव्य शोभा यात्रा झांकियां निकाली जा रही है रामनवमी के शुभ अवसर पर। इसी कड़ी में MIDC अंदरीपुर के MIDC में यहां पे शेरे पंजाब के हनुमान मंदिर के पास में जो मैदान है, यहां पे देखते बड़ी संख्या में भगवाधारी हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। और मेरे साथ है प्रदीप समदानी जी, हमसे बात करेंगे कि क्या कुछ यात्रा का मार्गदर्शन है और कहाँ से यात्रा शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के शोभा यात्रा को लेके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की शोभा यात्रा हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा है और इसमें हमारे सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता करीबन 3,500 के आसपास हैं, जो कि पूरा यहाँ से होते हुए हम मरोल में आर्य कॉलोनी में वहाँ पर इसका समाप्त होगा। यहाँ पे बहुत सारी संख्या लाइक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग और भी हिंदुत्व को मानने वाले कई पार्टियों से भी लोग आए, तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ से लोग आए हैं इस बार? इसमें सारे हिंदू संगठन के लोग आए हुए हैं, खास करके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के। यात्रा मतलब कि देश भर में इस बार हिंदुत्व को लेकर शोभा यात्रा झांकियाँ निकाली जा रही, तो बहुत ही खुशनुमा माहौल है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा है, खुशनुमा माहौल बनाया हुआ है पूरा, और पूरे मुंबई के अंदर ये रैली का पूरा समापन हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ मैडम जी, मैडम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे शोभा यात्रा को? जय श्री राम। ये शोभा यात्रा जो है ये हिंदुओं के गौरव के लिए है, और राम जी की शोभा यात्रा मतलब हिंदुओं के लिए गौरव की बात है, और उसी गौरव के लिए हर हिंदू यहाँ पर आया हुआ है, और वो जरूरी भी है कि हर हिंदू का गौरव वो प्रदर्शित कर रहा है इस यात्रा में, इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के हर हिंदू अपना गौरव। आज ही शोभा यात्रा के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर एक मार्ग पर, आप किसी भी पार्टी में काम, BJP कांग्रेस आप किसी भी पार्टी में कार्यरत हो, लेकिन जब हिंदुत्व को, हिंदुत्व की बात आए तो एक मंच पे खड़ा होकर हिंदुत्व की बात करें, धर्म की रक्षा करें। बिल्कुल सही है, अगर मैं तो यही कहूंगी सकल हिंदू समाज को, यह कहूंगी कि चाहे जो भी हो, हिंदुत्व की बात आते से ही अगर वो सच्चा हिंदू है, सच्चा राम भक्त है, तो उसे एक मंच पे आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। युवाओं के अलावा महिलाओं को भी इस तरह के कार्यक्रम में या शोभा यात्रा में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल, हमारी मातृशक्ति भी आई हुई है, दुर्गा वाहिनी आई हुई है, और सब लोग यहाँ पर सम्मिलित है। इसके अलावा और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, क्या कुछ कहना चाहेंगे जरा बताइए? हमारा हिंदुओं के प्रति है, हम सही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जागे, जो कि अपने आने वाले दिनों के लिए अच्छा रहेगा सभी के लिए। हम आगे भी, अभी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, तो हम आगे भी बात करेंगे यात्रा के बारे में प्रदीप जी से और मैडम जी से बात करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत आप देख सकते हैं कि बड़े तौर पर भगवाधारी लोग इकट्ठा हुए हैं और यात्रा की भव्य शुरुआत की जा रही है। कैमरा पर्सन कुछ के साथ प्रमोद सिंह, P7 न्यूज, मुंबई।